टीकाकरण अभियान के तहत चरोदा नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे ने विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर बिना वैक्सीन लगाए लोगों की काउंसलिंग करके वैक्सीन लगाने प्रेरित किया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और मेडिकल ऑफिसर स्मृति पांडे ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यादव भवन चरोदा, रेलवे इंस्टीट्यूट चरोदा, भाटापारा चरोदा, डबरापारा, भिलाई 3 कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, भिलाई 3 गांधीनगर, भिलाई 3 शांति नगर, भिलाई 3 अटल आवास का दौरा किया। वहीं 26 टीकाकरण केंद्रों में 1190 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 94 छात्र और 60 बूस्टर डोज के लोग भी शामिल रहे। आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य अमले ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कड़े परिश्रम से सेवाएं दी है। निगम का अमला और मितानिन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग की सराहना उन्होंने की। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, कोरोना की जो लड़ाई है 4 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। पहला जो सबसे बड़ा मोर्चा है वैक्सीनेशन, तो भिलाई चरोदा में वैक्सीनेशन लगभग बहुत अच्छी गति से किया हुआ है। हम लोगों ने 45 प्लस में लगभग टारगेट पूरा कर लिया है और 18 से 44 में फर्स्ट डोज जो है 99% को लग चुका है। सेकेंड डोज के लिए जैसे जैसे समय हो, प्लस अब जो अभी सरकार ने जैसे 15 से 18 प्लस FLW जिनको बूस्टर, उस दिशा में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं। दूसरा जो टेस्टिंग है, लगभग टेस्टिंग 150 से 200 हमारे दोनों हॉस्पिटल मिला के टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो टेस्टिंग के पश्चात जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आइसोलेशन, उनके घर पोस्टर चिपकाना, उनको दवाई वितरण, इस टाइप के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा, हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं निगम की तरफ से। निगम की गाड़ियां घूम घूम कर लोगों को मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित रहें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, ऐसा लोगों से निवेदन किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। नहीं, लोगों से वही अपील है कि अभी भिलाई चरोदा में पर्याप्त रूप से केस नहीं आ रहे हैं या अन्य निगमों की तुलना में कम आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ की जनता अवेयर है, निकल नहीं रही। तो मैं लोगों से यही निवेदन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, ज़रूरत हो तभी मार्केट में निकलें, भीड़ भाड़ में न जाएं, निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। शादी समारोह में जो सरकार की गाइडलाइन है, कार्यक्रम में जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और अंत में जो वैक्सीन से छूट गए हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आए, हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन ही एक बहुत बड़ा बचाव है, वैक्सीनेशन और मास्क, इन दोनों का ख्याल रखें। लोगों को से मेरी यही अपील है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन कराएं और मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।